नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि कैसे पता करें कि किसी को डायबिटीज़ हो गया है। पहले कहा जाता था कि डायबिटीज़ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है डायबिटीज़ अब बच्चों या फिर युवाओं में भी होने लगा है। तो आखिर एक व्यक्ति जो है कैसे समझ सकता है कि वो डायबिटीज़ की चपेट में आ गया है, इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के जाने माने डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ हैं और न्यू गार्डनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब। अगर बात करें कि एक आदमी जो है, एक युवा या फिर आजकल बच्चों में भी है, तो ये लोग कैसे समझ सकते हैं कि उन्हें डायबिटीज हो रही है? देखिए, डायबिटीज के कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट हो, कोई भी इंसान हो, उसको अगर ज्यादा प्यास लगे, ज्यादा यूरिनेशन होने लगे, शरीर का वजन जो है अचानक कम होने लगे, या कोई बहुत तरह का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो वो होने लगे, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हो सकता है कि उसे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के लिए उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और कई बार होता है कि ये साइलेंट रहता है, आप किसी और डिजीज़ के लिए आप जाते हैं टेस्टिंग के लिए और वहाँ शुगर टेस्ट होता है आपका, और तब पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक तरह से साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जिसमें कि कई बार बिना किसी सिम्टम के बॉडी में पड़ा रहता है और बॉडी को हार्म करता है। तो इसीलिए हर आदमी को, खासकर जो हम जो इंडियंस होते हैं, इसमें डायबिटीज़ की संभावना किसी भी अन्य कंट्रीज़ के बनस्पत बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एक प्रोटोकॉल बना लिए हैं कि हर जो भी पेशेंट आते हैं, खासकर 25-30 के आसपास, उसके बाद से हम लोग रेगुलर हैं, उनका ब्लड शुगर जब भी कुछ होता है टेस्ट शुगर जरूर देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट करते हैं आप पॉजिटिव आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर हम टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम डायबिटिक हैं कि नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी टेस्टिंग रेगुलर में होती रहनी चाहिए। इसके लिए खासकर हम लोग जो एक दिए हैं, गवर्नमेंट को भी लिख के दिए हैं कि इवन स्कूल सेटअप पे भी बीच बीच में ब्लड शुगर का टेस्टिंग होता रहे, कॉलेजेस में, स्कूल में शुगर का टेस्टिंग होता रहे, ताकि अर्ली डिटेक्शन लोग डायबिटीज़ को कर पाएँ। सर, अगर देखिए कि डायबिटीज़ को लेके लोग बहुत घरेलू उपचार भी करते हैं, जैसे कि नीम का पत्ता का ये सेवन भी करना, तो ये सब सही है? देखिए, आँख बंद करके किसी भी तरह का वैसी चीज़ जिसके बारे में कोई मेडिकली हम लोग नहीं देखे हैं, उसके बारे में हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक में जो किडनी हमारा होता है वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। और जितनी भी इस तरह की चीज़ जो यूज़ हम लोग करते हैं, जो पेड़ का छाल निकालना और जूस पीना, ये पीपल के और नीम के पत्ते का, ये बहुत समझदारी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी हेवी मेटल्स होते हैं जो कि किडनी को डैमेज करने की संभावना उसमें ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए अगर कम्प्लीटली नहीं जाने तो उसके लिए आँख बंद करके, बातों को सुन करके इसको ना यूज़ किया करें। डॉक्टर साहब, अगर किसी का डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले लोग जो है शुरू से ही उन्हें पता चल गया है, तो शुरू से ही वो किस तरीके से बचाव करना शुरू कर दें? डायबिटीज़ की दो पार्ट है ट्रीटमेंट का। पहला पार्ट होता है कि अपना लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहले लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन में डाइट का कंट्रोल करना और फिजिकल एक्टिविटी करना, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब जैसे ही पता चल जाता है कि हाँ हम डायबिटिक हो गए हैं, तो फिर डॉक्टर से मिल करके और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन का यूज़ करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जरूरी करें, तभी जाकर के शुगर कंट्रोल होगा, अदरवाइज मुश्किल होता है। तो अगर जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें, इंसुलिन आ गया, फिर दवाइयाँ, जो लोग ये भी सोचते हैं बहुत बार कि डायबिटीज़ में दवा लेंगे तो बार बार लेना पड़ेगा, तो दवाइयों का डोज और इंसुलिन के इसमें कितनी भूमिका है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यूजुअली ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं कि सर हम दवा लेंगे एक बार तो फिर ज़िंदगी भर खाने पड़ेगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज़ के दवा खाने से किडनी ख़राब होता है, आँख खराब होता है, तो ये ठीक उल्टा है, ये बिल्कुल भ्रांति है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। डायबिटीज़ की दवा से किडनी ख़राब नहीं होती है, बल्कि शुगर बढ़ने के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, बीपी बढ़ने के कारण आपका कॉम्प्लिकेशंस होता है, मेडिसिन से नहीं होता है। जितना अच्छा से आप जल्दी से मेडिसिन यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा आप प्रॉपरली अपने आप को शुगर के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि अगर कैसे पता करें कि किसी को डायबिटीज़ है, उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी के घर में ये शक हो रहा है कि डायबिटीज़ की मरीज बढ़ रहे हैं या फिर मरीज डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं, तो इस विषय में कैसे उन्हें पता कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।